दोस्तों अगर आप भी चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में रहते हुए नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आने वाली है। मैं आया हूँ चंडीगढ़ की एक ऐसी जगह जो पिछले 60 सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है और लोगों का मानना है कि जो नॉनवेज फूड इस जगह मिलता है पूरे चंडीगढ़ ट्राई सिटी में और कहीं नहीं मिलता है। चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इस दुकान का नॉनवेज फूड ना ट्राई करा हो। पूरी वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। यहाँ पर मिलता है बहुत ही ज्यादा हेल्दी चिकन जिसके अंदर 0% ऑयल यूज होता हो और कम से कम मसाले यूज होते हैं, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली हो, जीरकपुर हो, खरड़ हो, पटियाला हो, लुधियाना हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर खाने के लिए। मैं आया हूँ सेक्टर 22 कसौली ब्रॉयलर वालों के यहाँ। पूरा वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ चेक करते रहिएगा, अब ये ग्रिलर के अंदर चिकन कंटिन्यूसली लगता जाएगा। फुल चिकन की कीमत है यहाँ पर 340 रुपये। इसके अंदर 0% ऑयल है और कम से कम मसाले हैं। 45 से 50 मिनट लगता है इस चिकन को रेडी होने में। ये ऑन हो गई है जी हमारी गैस, इसको कम से कम 45 से 50 मिनट लगेंगे पकने में। फुल चिकन की कीमत है 340 रुपये का। चिकन का वेट होता है जी 900 ग्राम और पकने के बाद उसका वेट रह जाता है जी 700 ग्राम, क्योंकि उसके अंदर से फैट निकल जाता है। 0% ऑयल यूज होता है यहाँ पर। इसका फैट बिल्कुल निकल जाएगा तो इसका वेट रह जाएगा कि 700 ग्राम। दूर दूर से आते हैं लोग इसको ट्राई करने के लिए। यहां चेक कर लो जी, चिकन बिल्कुल पकने के तैयार है। आप चाहो तो एज इट इज इसको पैक करवा सकते हो या इसको कट करवा सकते हो। दो दो ग्रिलर लगे हुए हैं जी यहाँ पर। ये बन रहा है जी हमारा बारबेक्यू चिकन, बड़ा ही टेंडर और जूसी। अगर यहाँ पर आप आए तो इनका बारबेक्यू चिकन भी ट्राई जरूर कीजिएगा। ये वाला बिल्कुल रेडी है, नीचे वाला। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। लव यू गाइस।